ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसे वो क्लेम एब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरह परफॉर्म किया, खबरें क्या रही और मार्केट अब आइंदा किस तरह परफॉर्म करेगी। आज अगर हम देखें तो कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट एम सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक कर चुकी है, यानी कि 40,600 का लेवल जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था मार्केट ने ब्रेक किया, तो मार्केट अब 40,000 का लेवल टेस्ट करेगी। आज स्टार्टिंग ही से हमने देखा कि मार्केट का आगाज नेगेटिव हुआ और मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर नजर आया मार्केट के अंदर, खास करके हमने मार्केट में लो बनते हुए देखा 40,029 का लेवल जो कि हमने टारगेट दिया था। और इसके बाद फिर मार्केट में 11 बजे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिस इलेक्शन के हवाले से, तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अब ये काम हर हाल में करना होगा, यानी कि 90 रोज के अंदर जो है वो इलेक्शन कराने लाजमी हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बनता था कि टेक्निकली मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की तरफ आ चुकी थी और मार्केट में एक यानी अपसाइड, एक यानी कि पुल बैक बनता था। तो हमने देखा कि मार्केट में एक रिकवरी हुई और तकरीबन 97 पॉइंट के साथ 40,412 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ। एक टाइम में 40,500 के करीब मार्केट ने हाई लेवल टच भी किया, चूंकि 550 रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी। टाइम बाय टाइम हम स्पेशल ग्रुप में स्टॉक इंडेक्स के बारे में बताते रहे, इंडेक्स से पहले गिरने से यानी कि इंडेक्स से पहले डाउन होने तक और फिर गिरने से दोबारा बढ़ने तक हमारी ऑडियो कॉल्स आती रही और हमने मोमेंटम बताया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बाउंस बैक किया और इस न्यूज़ को वेलकम किया। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो अच्छा खासा इजाफा हुआ, 167 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल के वॉल्यूम्स तकरीबन देखा जाए तो 126 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनके लो भी लगे और लो के बाद स्टॉक्स आपके रिबाउंड भी हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं जिसमें अगर हम देखें तो टॉप पे यानी कि WTL हबको रहे और टॉप गेनर्स के अंदर यूनिलीवर पाकिस्तान और नेस्ले रहे, जबकि टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो प्रीमियम टेक्सटाइल वगैरह रहे। इसके साथ ही अगर हम पोजीशन देखें तो आज के दिन में जो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो फूड सेक्टर्स आपका 13 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर्स ये आपके यानी कि टॉप पे रहे। जबकि हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस के 58 पॉइंट, जबकि सीमेंट के 14 पॉइंट्स यानी कि कमर्शियल बैंक्स के और बाकी के भी हमने स्लाइटली पॉइंट्स की तरह गिरावट देखी। कंपनीज वाइज देखें तो कंपनी वाइज में TRG, नेस्ले, हबीब बैंक, MCB, सरलेट टॉप पे रहे, जबकि OGDC डिक्लाइन साइड पर, OGDC, PPL, लकी, UBL डिक्लाइन साइड पर रहे। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें, जैसे कि आज तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करना था और फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो पाकिस्तान है पिछले 10-11 माह से एक अनसर्टेनिटी का शिकार है। पॉलिटिकल साइड से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का एक ही बात कहना है कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल हालात बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये जो इस वक्त हम बात सुनते हैं डिफॉल्ट की, हम बात सुनते हैं नेगेटिविटी की, हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं। और कल भी हमने देखा कि मूडीज ने हमारा जो स्टेटस था वो स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। वजूहत क्या थी? वजूहत यही है कि पॉलिटिकल ग्राउंड पर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से कोई भी जिस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है वहां पर फिर इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी डाउन हो रही होती है और यानी एक प्रेशर का समय होता है। तो ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है जो आने वाले वक्तों में जो हमारी गैर यकीनी सूरत हाल है उसको खत्म करते हुए नजर आएंगे और पॉलिटिकल साइड पर स्टेबिलिटी नजर आएगी। तो अब लाजिम एंड मुलजिम हो गया कि इलेक्शन 90 डेज में करवाना है। अच्छा, इसके साथ ही इमरान खान साहब की तरफ से भी एक गुड न्यूज ये रही कि जो जेल भरो तहरीक मोमेंटम जो तहरीक थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ मूव करने की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा कल के दिन में अगर देखा जाए तो इसहाक डार साहब ने जो मट्टी के तेल की कीमत थी फी लीटर 15 रुपये कमी की, जबकि इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 रुपये पेट्रोल की प्राइस में भी कमी की है। खैर है तो थोड़ी सी कमी, लेकिन थोड़ी सी यानी स्लाइटली कमी होते हुए नजर आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ECC की मीटिंग है कैबिनेट के हवाले से, तो ये भी एक अच्छी, कुछ जो काम होने वो बेहतर काम होंगे।
अच्छा, अगर हम रेटिंग के हवाले से एक चार्ट देखें तो जब हफीज साहब थे जुलाई 2012 में तो CAA2 यानी कि नेगेटिव रेटिंग रही। इसहाक डार साहब के दौर में भी तकरीबन देखा जाए 2015 में स्टेबल रही और फिर इसहाक डार साहब के दौर में ही यानी 2023 में दोबारा यानी कि CAA3 स्टेबल रही। तो ये देखा जाए तो बड़े वर्स्ट कंडीशन रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकेंड वीक पे अगर सेकेंड अगर हम देखें तो IMF की मजीद कंडीशन है जिनका पूरा करना भी जरूरी है, जिसमें देखा जाए तो कल के दिन मॉनेटरी पॉलिसी है और एक्सचेंज रेट में इजाफा होगा, यानी इजाफा करना कंपलसरी है। सेकेंड नंबर पे जो यूनिट के जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी के 3.39 रुपये बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि ये सारी IMF की डिमांड है। एक बुरी खबर ये भी है कि इन्फ्लेशन जो है हमारी मुसलसल उसमें इजाफा है और जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स है 27.6% अब 31.5% यानी की तरफ जा चुके हैं। ये CPI जो है वो इंक्रीज कर चुकी है 4.3%, तो ये देखा जाए तो नेगेटिव है। इसके साथ ही अगर हम कुछ बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल 76 के पास ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में क्रूड ऑयल ने $77.80 के हाई लेवल टच किया था, इस वक्त 76 के पास है 76 सेंट माइनस के साथ। क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है 78 से लेके 80 के एरिया में जा सकता है। 74 का जो लेवल होगा वो स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर में कल हमने आपको कहा था कि लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग का और रिबाउंड कर सकते हैं। गोल्ड में इजाफा हुआ है 1844 तक $7.50 का इजाफा हुआ, जबकि सिल्वर में भी इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर में अभी थोड़ी सी मजीद थोड़ी रिकवरी आ सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है, जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो यानी कि डॉलर काफी बढ़ चुका था इसलिए थोड़ी सी करेक्शन लेगा और गोल्ड सिल्वर में थोड़ा इजाफा होने के बाद फिर हम इसमें गिरावट देखेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा इजाफा होता है तो फिर हायर साइड पे सेल कीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हम डॉलर देखें तो आज डॉलर में इजाफा हुआ, वजूहत ये थी पाकिस्तान में डॉलर बढ़ने की क्योंकि 276 से डॉलर मुसलसल गिर रहा था और गिरने के बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि कल लास्ट डे था तो इसलिए आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे के हिसाब से डॉलर थोड़ी सी रिकवरी ली है 265 तक की, लेकिन डॉलर का जो रिस्टेंट लेवल है 268 और 272 ये लेवल ब्रेक होंगे तो डॉलर मजीद हाई जाएगा, अदरवाइज ये रिस्टेंट लेवल है और आज मंथ का फर्स्ट डे था इस हिसाब से थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन दोबारा हम डॉलर में गिरावट देखेंगे क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम के नजदीक तर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 40,650। रेजिस्टेंस लेवल है 40,050, हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 12 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 2586 पॉइंट यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो कल के दिन में लेवल बताया गया था कि 40,600 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो 40,000 तक मार्केट लेवल टेस्ट करेगी। हमने देखा कि 40,000 के बाद मार्केट ने लेवल टेस्ट किया और बाउंस बैक भी हुई। कल के दिन में जो पोजीशन है मार्केट की, नो डाउट मार्केट अपना एक लो रख चुकी है 40,000 का लेवल। 40,000 आपका स्टॉप लॉस है, अगर 40,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में हम गिरावट देखेंगे, लेकिन मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 40,650 का लेवल है। स्टार्टिंग में कल मार्केट के 600 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 40,800 से लेकर 41,000 का टारगेट होगा, लेकिन आज चूंकि मार्केट की जो क्लोजिंग रही है वो बेहतर रही है और इस हिसाब से यही एक्सपेक्टेशन है कि स्टार्टिंग में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और हाई साइड पे जा सकती है। सेकंड नंबर भी ये कल मॉनेटरी पॉलिसी में जो 2% का इजाफा होगा, एक्सपेक्टेशन ये कि यानी कि 2% का इजाफा हो सकता है। अगर ये इजाफा होता है तो इसको मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुकी है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होती है तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 40,000 से लेकर 40,600 की रेंज में या मार्केट इस रेंज में परफॉर्म करेगी। अगर मार्केट 40,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर हम डिक्लाइन देखेंगे, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज दोबारा मिलेंगी बाइंग करने की, तो इसलिए पैनिक या घबरा कर सेल नहीं करना है, अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। मार्केट अपने आपको 42,500 से डिस्काउंट करते हुए आ रही है और 40,000 तक मार्केट ने डिस्काउंट किया, ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट मार्केट ने अपने आपको करेक्ट कर लिया। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने कुछ कॉल्स दी जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। जब मार्केट आपकी 400 पॉइंट माइनस थी तब कॉल दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमने मार्केट में 25 पॉइंट 20 पॉइंट प्लस होते हुए भी देखा और तकरीबन एक अच्छा मौका मिला सेल करने का। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी मंदी को थोड़ा क्लोज कर चुके हैं, यानी कि अपना लो लेवल बना चुके हैं। लो लेवल स्टॉप लॉस होंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होंगे तो डिस्काउंट करेंगे, अदरवाइज ये लो लेवल ब्रेक नहीं होते तो इनमें मजीद तेजी देखी जा सकती है, जैसे कि TRG है, आपका नेटसोल है, ISL है, अटक रिफाइनरी है, इसके अलावा दीवान फारूक मोटर है, बलूचिस्तान गिलास है, सरले है, कैपको है, हबीब बैंक है, मिजान बैंक, APL और थल है। अच्छा, दीवान फारूक मोटर के हवाले से ये है कि दीवान फारूक मोटर ने जो लो बनाया हुआ है
₹10 और 70 पैसे का जो लो बना दीवान फारूक मोटर का, ये स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो दीवान फारूक अगेन 1280 से लेके और दोबारा नई ऊंचाई की तरफ जा सकता है, क्योंकि दीवान फारूक मोटर एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 5.5 से लेकर 18 तक की तेजी की, और एक डिस्काउंट करना लाजमी था। इस वक्त अगर देखा जाए तो ₹10.70 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज पोटेंशियल है कि ये आपका यानी कि 12 से लेकर 13 तक 15 तक की रैली कर सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अगर आपका अकाउंट मुनी खानी में, मुनी खानी से सर्विस नहीं मिल रही, तो आप मोहम्मद दानिश को कॉन्टेक्ट करके आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि इंडेक्स ने कब ऊपर की तरफ जाना है, कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म करना है। स्टॉक के चलने से पहले इनकी कॉल दी जा रही होती है। हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करें और यानी कि लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक जो होती है हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।